अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे एनटीए की तरफ से सीईटी यूजी को लेकर एक पब्लिक नोटिफिकेशन कल जारी कर दी गई है। इसमें इन्होंने करेक्शन विंडो को फिर से ओपन कर दिया है, एग्जामिनेशन सिटीज अनाउंस की डेट्स को चेंज कर दिया गया है, एडमिट कार्ड्स की डेट्स भी यहाँ पर आ चुकी हैं। इस वीडियो में मैं इस नोटिफिकेशन को आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्या क्या इसमें मेंशनड है सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे एनटीए की तरफ से सीईटी यूजी की क्या नोटिफिकेशन यहां पे आई है। आप सभी को पता है कि कल 30 अप्रैल था और 30 अप्रैल को यहां पे एग्जामिनेशन सिटीज अनाउंस होने वाली थी, लेकिन कल शाम को ही मैंने आपको एक आर्टिकल दिया था, मैंने अपडेट आपको टेलीग्राम में किया था कि आज एग्जामिनेशन सिटीज अनाउंस नहीं होंगी, उसकी डेट्स को फिलहाल चेंज कर दिया गया और उसकी यहां पे एनटीए क्लेरिफिकेशन यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर देगी। तो 7 मई के ऑनवर्ड्स आपका यहां पे एग्जामिनेशन सिटीज अनाउंस होंगी। तो उसके बाद यहां पे लगभग 9:30 के आसपास यह नोटिफिकेशन एनटीए की वेबसाइट पर आ गई, इसमें देख सकते हैं आप पब्लिक नोटिफिकेशन है 30 अप्रैल की, यहां पे इसमें डेट है। इसमें यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन को ऊपर पहले पढ़ लोगे, एनटीए जो है वो कंडक्ट करेगी सीईटी 21 मई से लेकर 31 मई तक, उसके बाद एनटीए जो आपका एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा, जैसे आप सभी को पता है थ्रू आउट इंडिया होगा, आउटसाइड 24 सिटीज इंडिया में यहाँ पे आपका रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन वगैरह का यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि यहाँ पे लगभग 14,000 कैंडिडेट्स के फॉर्म ऐसे हैं, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया का एंट्रेंस है, नेशनल लेवल का एंट्रेंस है, ऑब्वियसली काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने तो फॉर्म फिलअप किया होगा। इसमें इन्होंने कहा है यहाँ पे कि 14,000 एप्लीकेशन फॉर्म्स ऐसे हैं जो ड्राफ्ट में, मतलब जो अभी सबमिट नहीं हुए हैं, 14,000 फॉर्म्स अभी सबमिट नहीं हुए हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ पे एनटीए ने क्या डिसाइड किया है कि वो करेक्शन विंडो फिर से ओपन यहाँ पे करेंगे 1 मई से लेके 2 मई तक, यानी कि आज और कल यहाँ पे करेक्शन विंडो आपका ओपन फिर से रहेगा। इसमें कैंडिडेट्स क्या काम कर सकते, वो अपडेट कर सकते, ऐड रिमूव चेंजेस वगैरह जो कुछ भी आपको करना है, टेस्ट पेपर ऐड करना है या टेस्ट पेपर रिमूव करना है, कोर्स कोई ऐड करना है, यूनिवर्सिटी कोई ऐड करनी है, तो वो आप आज और कल यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब ये चेंजेस किस तरह से करनी है इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो डाला है, आप उसको भी एक बार देख सकते हैं, टू एडिट सीवीटी फॉर्म बाय सजाद स्पीक्स, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वो यहाँ पे आप आज और कल कर सकते हैं, क्योंकि 14,000 फॉर्म ऐसे हैं जिनको ओटीपी का मसला आया था, वो अभी ड्राफ्ट में फॉर्म से, उसको देखते हुए फिर से यहाँ पे इन्होंने जो है वो ओपन विंडो रखी है यहाँ पे आईडिया रिमूव करने के लिए 1 और मई, यानी कि आज और कल यहाँ पे, ये इन्होंने अच्छा अपडेट किया है, क्योंकि अभी भी कई कैंडिडेट्स हैं जिनको फॉर्म में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो वो यहाँ पे आज और कल अपना फॉर्म जो है एडिट कर सकते हैं, जो भी कोर्स उनको ऐड करना है या जो भी यूनिवर्सिटी उनको ऐड करना है या टेस्ट पेपर जो अपडेट करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे अगर आप चाहोगे आप कॉलेजेस भी ऐड और कर सकते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे जो शेड्यूल नया रिलीज़ किया वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटीज़ जो आपकी अनाउंस होंगी वो 14 मई के ऑनवर्ड्स एंड 14 मई के बाद यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन सिटीज़ अनाउंस हो जाएंगी। पहले तो इन्होंने 30 अप्रैल को रखा था, लेकिन 30 अप्रैल को जो है वो इन्होंने अनाउंस नहीं किया, अब इन्होंने 14 मई के ऑनवर्ड्स यहाँ पे रखा है कि 14-15 मई को यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन सिटीज़ अनाउंस होंगी। उसके साथ साथ आपके एडमिट कार्ड जो होंगे वो आपके 3 दिन एग्जाम के पहले, यानी कि 3 दिन आपके एग्जाम के पहले यहाँ पे आपका आने, यानी कि 21 मई को अगर आपका एग्जाम है तो 18-19 मई को यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। पहले तो ये 8-10 दिन पहले निकालते थे, लेकिन अब यू जो है यहाँ पे एनटीए ज़्यादा दिन पहले एडमिट कार्ड्स आपके नहीं निकालते, ये 3-4-5 दिन पहले, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता पहले आ जाएगा, उससे पहले आपको एडमिट कार्ड आपके नहीं आने, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि अब हम 3 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड जारी कर देंगे, तो मान के चलिए आप 17-18-19 तक आपके एडमिट कार्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके साथ साथ एग्जामिनेशन सिटी जो होंगे वो आपके 14 मई के ऑनवर्ड्स होंगे। तो एग्जामिनेशन सिटी जो हो, एग्जामिनेशन स्लिप्स जो होंगे यानी कि एग्जामिनेशन सिटी जो अनाउंस होंगे, तो वो आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसमें क्या मेंशन होगा, उसमें आपका सिटी मेंशन होगा कि किस सिटी में आपका एग्जाम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का लिखा होगा श्रीनगर में एग्जाम होगा, तो श्रीनगर सिटी का नाम होगा। अब ये नहीं होगा कि श्रीनगर सिटी में किस जगह पे आपका एग्जाम होगा, तो एग्जैक्ट एड्रेस और एग्जैक्ट शिफ्ट का टाइम जो होगा वो आपका एडमिट कार्ड पे होगा। एग्जामिनेशन सिटीज में जस्ट इतना होगा कि कौन सी सिटी में आपका एग्जाम होगा, ताकि अगर दूर कहीं पर है तो आप वहां पर जा सकते हैं 4-5 दिन पहले ही, और उसके बाद बाकी एड्रेस और शिफ्ट वगैरह टाइम वगैरह सारा कुछ एडमिट कार्ड में आपका मेंशनड होगा। तो चलिए वीडियो को फिलहाल यहाँ पे खत्म कर लेंगे। एनटीए की तरफ से सीईटी यूजी की तरफ लेकर ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी, जो मैंने आपको डिटेल में समझाई। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।